आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इस भीषण गर्मी में तपती धूप में आप सब यहां पर आज इस खूबसूरत कार्यक्रम के गवाह बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुनीता जी का, उनके पूरे परिवार का, हेमाराम जी का कि इन्होंने आज बाड़मेर को, मारवाड़ को एक ऐसी सौगात दी है जो मैं समझता हूं आने वाली कई पीढ़ियों तक नौजवान बच्चे बच्चियां याद रखेंगे और एक मिसाल आपने आज कायम की है। हेमाराम जी के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और जितने हम सब लोग मंच पर बैठे हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह से हेमाराम जी को आप जानते हो। और हेमाराम जी के साथ राजनीति करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बहुत से लोग देखे राजनीति में, पक्ष में, विपक्ष में, प्रदेश में, देश में, हर पीढ़ी के, हर किस्म के, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के अलावा देश में इस प्रकार का राजनेता बहुत कम पैदा हुआ है जिसने अपने कार्यशैली से, अपने विनम्र स्वभाव से, अपनी बोली से उन लोगों का मन भी जीता जो उनके विरोध में खड़े होते थे। अपनों को साथ लेना बहुत आसान है लेकिन जो विरोधियों का मन जीत लेता है वही लोग असली मायने में राजनीति करते हैं देश में और एक आयाम कायम करते हैं। तो मैं यहां पर आज बहुत खुश हूं कि स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर जो ये हॉस्टल बना है 80-85 कमरों का बना है, जिसका लोकार्पण हमने किया, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है और इस परिवार ने जो कुछ किया मैं समझता हूं कि परिवार के 2, 5, 10 लोग नहीं कर सकते। जब तक उस परिवार के पीछे लाखों लाख आप जैसे लोग नहीं खड़े हों किसी परिवार की हिम्मत नहीं होती। हम सब दान पुण्य करते हैं, हम सब अपने घर वालों से प्यार करते हैं लेकिन सामाजिक चेतना जगाने के लिए, इतिहास कायम करने के लिए जिस संकल्प शक्ति की जरूरत होती है वो आप लोगों की प्रेरणा से आता है। इस लोकतंत्र में जनता की ताकत को हम लोग आंकते हैं सिर्फ मतदान के दिन। लोकतंत्र है बटन दबाएंगे, मशीन बोलेगी, हारेंगे जीतेंगे, लेकिन लोकतंत्र में आवाम की जो ताकत है वो लगातार 5 साल तक काम करती है। और इस देश की राजनीति में भावनाओं और जज्बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमाराम जी ने एक नौजवान बेटा अपना खोया, मैंने कम उम्र में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उस चुनौती के समय में जनता का सहायता, संबल, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद एक ऐसा भगवान की माया के माध्यम से एक ऐसा हम लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए हम खड़े रहते हैं। अभी मन से बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जब वीरेंद्र जी का स्वर्गवास हुआ मैं दुख प्रकट करने आया था घर पर हेमाराम जी के, और हम सब समझ सकते हैं एक बाप के लिए बच्चे को खो देना शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, लेकिन ये ऊपर वाला ही है जो उस दुख का सामना करने के लिए इंसान को शक्ति देता है। बाकी हम इंसान क्या चीज है, हमको थोड़ी मोच आ जाए पैर फिसले आदमी मर जाता है, छोटी सी चीज में आदमी खुश हो जाता है दुखी हो जाता है, लेकिन इतने बड़े विराट दुख का सामना करने की ताकत परमपिता परमेश्वर देता है। और वो कैसे देता है, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं लेकिन मन में जो शक्ति पैदा होती है वो भगवान जनता के माध्यम से देता है। इसीलिए मैं आप लोगों का, बाड़मेर की जनता का बार बार साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, इतना बड़ा हादसा होने के बाद
स्वाभाविक रूप से हेमाराम जी ने कुछ समय तक सामाजिक मिलना जुलना राजनीतिक गतिविधियां कम कर रखी थी। उस वक्त हम विपक्ष में थे, हमारी पार्टी की बहुत करारी हार हुई थी 2013 के चुनाव में, 15 में, 16 में, 17 में। धीरे धीरे मैंने कई बार निवेदन किया है हेमाराम जी को, और उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष के नाते मैं हेमाराम जी से उम्र में बहुत कम, मेरी उम्र बहुत कम है उनसे, लेकिन मैं अध्यक्ष था तो मैंने उनको निर्देशित किया, मैंने कहा आपको जयपुर आना पड़ेगा। तो हेमाराम जी मना तो करते हैं फोन पे, हाँ हाँ करके रख दिया फोन। मैं जोधपुर गया घर पे, और अगले दिन मैंने एक जयपुर में एक मीटिंग रखी थी सभी वरिष्ठ नेताओं की, तो मैंने कहा मैं जोधपुर से कार से जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा। उन्होंने कहा आज मैं जा नहीं पाऊंगा, कुछ उन्होंने बात बताई, तो उन्होंने, मैंने कहा कल मीटिंग आपको आना है, तो हेमाराम जी मैं आ जाऊंगा। अब 2 साल से अपने घर से निकले नहीं थे, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने कहा आप नहीं आने वाले हो। मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूँ मैं कल आ जाऊंगा जयपुर। और वो दिन है, मुझे याद है, मेरे क्या हेमराज बात कर रहा था, जिस दिन नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का दिन था, हेमाराम जी जयपुर में आए, मेरे घर पे मैंने खाना रखा था, सब नेताओं से मुलाकात करी, और उस दिन उन्होंने वो सीमा लांगी जब वो घर से बाहर निकल कर दोबारा जनता में, पार्टी में, नेताओं से, लोगों से मिलना शुरू किया, और फिर बाद में उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ये बात भी सच है, 18 के चुनाव में हेमाराम जी ने मुझे कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मैं तो अध्यक्ष था। मैंने कहा मैं आपको निर्देशित करता हूं, चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप चुनाव लड़ोगे। और यही परिणाम रहा हरीश जी, बाड़मेर जिले में एक तरफा कांग्रेस जीती, और मैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हेमाराम जी आपके चुनाव लड़ने से, आपका नेतृत्व देने से बाड़मेर को ताकत मिली, हम सब यहां पर जीत कर गए। और क्योंकि हेमाराम जी मेरी बात मान लेते हैं, तो उसका मैं कभी कभी शोषण नहीं करता हूं, जज्बाती आदमी है, अपनी बात पर अड़ जाते हैं। एक बार उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और वापस आने को तैयार नहीं, सबने बहुत बार कहा यहां वहां, लेकिन फिर मैंने घर बुलाकर इनको हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैंने कहा हमारी सरकार है, आप अपना सिर वापस लो। और मैं धन्यवाद करना, आज इस मन से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर कर इस्तीफा वापस लिया। और आज भी कोई पद का, सत्ता का लालच नहीं है, आपने देखा बहुत साधारण जीवन इनका है, और जीवन शैली ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने से इनको संबंधित कर सकता है। लेकिन आप सबके खातिर, हम सबके आग्रह पर इन्होंने आज हमारी सरकार के अंदर मंत्री पद संभाला हुआ है, तो इन्होंने जो बीड़ा उठाया उसको आज अंजाम दिया। आप सब लोगों के सामने इतना बड़ा स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर एक हॉस्टल बना है, एक मूर्ति यहाँ पर लगी है, और जिस प्रकार से, जिस आधुनिक सोच के साथ इसकी स्थापना हुई है, मैं समझता हूँ बहुत लंबे अरसे तक हजारों हजार बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा। और राजस्थान और देश में अगर आगे विकसित होना है तो 2 रास्ते हैं, किसानी और पढ़ाई और फिर कमाई। और हम सब लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो मध्यम के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अगड़े हैं, जैसे भी हैं, हम सबको अगर हम किसानी करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ लिख कर, स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे हमेशा, जब किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, गांव ढाणी में रहने वाला बच्चा, और वो सारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन तमाम कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जहां से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक ये देश विकास नहीं कर सकेगा। और हरीश जी आपने जो बात बोली आज मन से, मैं पूरा समर्थन आपका करता हूं, लेकिन आज संघर्ष क्यों करना पड़ता है? आज अपने हक अधिकार को, जो संविधान कानून में लिखा है, उसको लेने के लिए भी हमको आग्रह क्यों करना पड़ता है? हमको तमाम चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन तमाम कुर्सियों पर जब गरीब और किसान के बच्चे बैठ जाएंगे तो हमें कभी झेलना नहीं पड़ेगा, हमारे काम अपने आप हुआ करेंगे। 2%, 5%, 6%, ये सब आंकड़ों के जाल में लोगों को फंसा कर, तमाम संगतियां पैदा कर जो रुकावट पैदा होती हैं। और हम 36 कौम के सभी लोग, इसमें कोई जाति बिरादरी की बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा और बच्ची गांव में रहा पला बड़ा है, उसको मालूम है क्या चुनौतियां हैं किसानी में, कब दिक्कत बीज लेने में आती है, खाद डालने में आती है, पानी लगाने में आती है, फसल बेचने में आती है। जिसको जानकारी नहीं है,
कि संघर्ष से बच्चा पढ़ाई कर पैदा होने बाद मेहनत कर पढ़ाई कर आगे बढ़ता है, जिसको उसकी कल्पना नहीं है वो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। आज हमारे बच्चे जब पीड़ित होते हैं क्या हमको दुख नहीं होता? आज हमारी बच्चियां दिल्ली में बैठी जंतर मंतर पर, उनके साथ उन्होंने आरोप लगाया शोषण हुआ, कितने दिनों से बैठी हैं, हमारे दिल में दुख नहीं होता? आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके मां बाप अपना पेट काटकर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता? उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं, उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दिल दुखे, जिनको 10,000 की 50,000 की कीमत का पता हो। साथियों, संकल्प हमको लेना पड़ेगा भविष्य के लिए। ये बात बाड़मेर की नहीं है, ये सीमावर्ती जिला हमारा, यहां खान भी है, खनिज भी है, तेल भी है, सब कुछ निकला। बाकी मुल्कों में जहां रेगिस्तान होता है, आज वो कहां पहुंच गए हैं? क्या कारण है कि हमारा ये जिला आगे नहीं बढ़ सकता? आधुनिक खेती हो रही है, दुबई में देखो क्या निकल गया, वहां पर भी तेल है। हेमराम जी, हरी जी मिलकर यहां पर अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और सही संकल्प लेंगे, यहां पर रोजगार के अवसरों में अगर हम बाड़मेर के नौजवान को प्राथमिकता देंगे, क्या गलत बात है? यहां के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारी धरती से तेल निकल रहा है, काम निकल रही है, सब कुछ बदल सकता है। सपना देखने की जरूरत है, सब कुछ तब्दील हो सकता है, कदम उठाने की जरूरत है, सब सपने साकार हो सकते हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। नौजवानों का यह देश, नौजवानों का यह प्रदेश, नौजवानों की ऊर्जा, इनकी संकल्प शक्ति, इनकी ताकत, इनका देह किसी के मोहताज नहीं है। अवसर चाहिए, प्रतिस्पर्धा बराबर की हो। बाड़मेर का यहां का नौजवान लड़का लड़की दुनिया के किसी देश के लड़के लड़की के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मौका तो मिले, अवसर तो मिले, बराबरी की लाइन में तो खड़ा कर देखें और फिर देखो हमारे बच्चे कहां तक पहुंच सकते हैं। नौजवानों को मौका देने की जरूरत है, उन पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस वीरेंद्र धाम से मैं चाहता हूं ऐसे नौजवान बच्चे निकल कर जाए, अगले 5, 10, 20 सालों के अंदर कलेक्टर बने, SP बने, राजनेता बने, बड़े उद्योगपति बने, ताकि इस जिले का, इस क्षेत्र का, सबका हमारा नाम रोशन हो सके। साथियों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और मुझे खुशी है बोला साहब ने हम सबके हाथ खड़े करवाए, और हेमराम जी ने मुझे कहा कि सुनीता ने भाषण दे दिया, स्वागत भाषण, आप लोग बोल लो, मैं आज भाषण दे नहीं पाऊंगा। और उन्होंने कहा मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। मैंने कहा हेमराम जी, ये सब लोग यहां पर आज आपकी दो लाइन सुनने के लिए आए हैं। मेरे बाद मैंने भी इनको निवेदन किया है, यहां आपसे बोलेंगे, राम राम करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हेमराम जी संकोच करने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत इनको हमें धक्का देना पड़ता है। और आने वाला समय आप सबका समय है। आने वाले समय में तमाम संभावनाओं को हमें कामयाब करना है। जो कुरुतियां हमारे अंदर हैं, आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी, हो सकता है किन्हीं लोगों को बात पसंद नहीं आई हो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा, और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह हमको ये भ्रष्टाचार खा रहा है। ईमानदारी, सादगी, राजनीतिक जीवन में स्पष्टवादिता, अच्छे आचरण वाले, अच्छे सोच वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे, महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे, चाहे नगर पालिका का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कोई भी पद हो, अच्छे लोगों का चयन आपको करना है। साफ सुथरी छवि के लोग राजनीति में आएंगे,
और मुझे दोबारा कहने में कोई संकोच नहीं है, इतना लंबा समय हेमराम जी का हो गया राजनीति में, मंत्री रहे, विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, तमाम पदों पर रहे, लेकिन इनका सफेद दामन उस पर एक भी छींटा कीचड़ का आज तक लगा नहीं है। तो छोटी बात नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आरोप लगाने वाले भी देख के आरोप लगाते हैं, कहां पे चिपकेगा कहां पे नहीं चिपकेगा। तो हेमराम जी पे कुछ चिपक नहीं सकता, आप कुछ भी कहते रहो, क्योंकि विश्वास कायम किया। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, मैं एक बार पुनः हेमराम जी का, सुनीता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस जिले के अंदर कई बार यहां पर मेरा आना रहा, हम विपक्ष में रहे, सत्ता में रहे, लेकिन आज भी मुझे खेद है कि जिस प्रकार का रवैया दिल्ली का है, हमारे जो सीमावर्ती जिलों के जो गांव हैं, आज वहां विकास लगभग ठप है। आज भी हमारी माताएं बहनें पानी के लिए वहां तड़पती हैं, वहां पानी भी देसी घी से महंगा हो गया है। उन गांवों में जो सरहद के गांव हैं, वहां पर विकास पहुंच नहीं पा रहा, और ये बेरुखी मैंने देखा दिल्ली से हो रही है। इसका भी हमें सामना करना पड़ेगा, एक सामूहिक विकास करना पड़ेगा। बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो जनता भी साथ देगी, मतदाता भी साथ देंगे, और ऊपर वाला भी साथ देगा। आज आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंच पे तमाम हमारे साथी बैठे हैं। मैंने कहा राजस्थान का कोई जिला नहीं है जहां से आज हेमराम जी के, इनके परिवार को साधुवाद देने के लिए हमारे सब साथी यहां पर आए नहीं है। हम में से बहुत साथी आज बोल नहीं पाए क्योंकि समय कम था, लेकिन आप सब ने इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आज हाजिर होकर इस बात पर मोहर लगा दी है कि हेमराम जी लंबे समय तक आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, और हम उनके पीछे ढाल की तरह खड़े रहेंगे। हमारे अभिभावक हैं, और मुझे हमेशा इनका सानिध्य मिला है, और मैं भी कभी कभी, जब मुझे बहुत सारे लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, क्योंकि राजनीति में सुझाव देने वालों की संख्या कम नहीं होती, कोई सुझाव ये, कोई सुझाव वो, जब मैं सबके सुन लेता हूं, तब कभी कभी 10-15 दिन में शाम के समय मैं हेमराम जी को फोन लगा पूछता हूँ, मैं कह रहा जी आप बताओ करना क्या है, कैसे है, और फिर हेमराम जी जो बोल देते हैं, सचिन पायलट उस रास्ते पर चल देता है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ट्यूनिंग अलग बैठी हुई है, और ये ट्यूनिंग हमेशा रहेगी। और रिश्ते देखो, हम कहां पैदा होंगे, किस घर में जन्मेंगे, हम हिंदू बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। हम किस कोख से पैदा होंगे, हमारी जाति क्या होगी, हमारा नाम क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन होश संभालने के बाद हमारी बोली, हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व, हम लोग क्या कहते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, हमारे हाथ में है। इसका दोष हम किसी को नहीं दे सकते, इसलिए रिश्ते बनाने से बनते हैं, और हम लोगों ने रिश्ते बनाए हैं, इस रिश्ते को हम हमेशा कायम रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बाड़मेर की जनता ने जो असीम प्रेम और प्यार और आशीर्वाद हेमराम जी को उनके परिवार को दिया है, इसको आप हमेशा कायम रखें। और मुझको भी आपने आज बहुत हर्ष और उत्साह के साथ हमारा यहाँ पे स्वागत किया। मैं सभी लोगों का, खासकर जिले के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस आयोजन में इतनी शिद्दत के साथ यहाँ पर इसको कामयाब बनाया। और परमपिता परमेश्वर से दोबारा कामना करता हूँ कि आप सब हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके बच्चों को भगवान लंबी उम्र दे, और हम सबका जीवन बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सा।